धन इंडिया। लड़का और लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है, अब और क्या है? वो बस लेन देन की बात हो जाए तो। देखिए, दहेज लेने देने में तो हम विश्वास करते नहीं हैं। अपनी लड़की को आप दो जोड़े कपड़े में भेज देना बस, है जी। अरे भाई, उठाओ ये टीवी, म्यूजिक सिस्टम और वो फ्रिज, सारा सामान उठाओ यहाँ से। मम्मी जी आप ये क्या कर रही हैं? वही कर रही हूँ जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। अरे खड़े मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ सारा सामान और धरो उस टेम्पो में। एक मिनट, आप लोग बाहर जाइए, मैं बात कर रहा हूँ ना इनसे। अरे क्या है, एक मिनट राजेंद्र, मुझे कुछ नहीं सुनना है तेरा। मैंने कहा था ना कि मैंने अपनी बेटी की शादी में जो कुछ सामान दिया मुझे एक महीने के अंदर चाहिए। एक महीने के बाद ना तूने वो सामान दिया और ना पैसा। मम्मी जी लेकिन। अरे भाई उठाओ ना सारा सामान। मम्मी जी ऐसा क्या कर रही है? घर पे मेहमान आए, तेरी इज्जत की कुछ तो परवाह कीजिए प्लीज। राजेंद्र, ना तो मुझे अब तेरी परवाह और ना तेरी इज्जत की। अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी दिया था मैंने तुझे, एक एक पैसा, एक एक सामान वापस चाहिए मुझे। जरा सोचिए, अगर कोई अचानक आपके घर में घुसकर अपना दिया सामान वापस मांगने लगे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जाहिर है आप हैरान परेशान होंगे, ठीक वैसे ही जैसे राजेंद्र शर्मा हुए। पर इस हैरानी का सबब क्या था? आखिर बिंदु नाम की यह औरत कौन थी जो अपना दिया दहेज वापस मांग रही थी राजेंद्र से? आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या मतभेद था जो इस हद तक जा पहुंचा था? ऐसी नौबत आई ही क्यों? क्या जिद थी, क्या था पूरा माजरा? क्या बाबा जी, जमाई जी खाना खाके आराम से जाइए। अरे नहीं मम्मी जी, खाना खाने तक नहीं रुकूंगा। एक्चुअली एक मीटिंग के लिए यहाँ आया था, पर वैसे भी सुधा को आप लोगों से मिलने का बहुत मन था तो ले आया। कोई बहाना नहीं चलेगा, मैं खाना तैयार करती हूँ। अरे मम्मी जी। मैं भी आपके साथ चलती हूँ मम्मी। माँ वो सुधा, बेटा अपनी माँ से अपनी परेशानी कहने में इतना हिचकिचा क्यों रही है? वो माँ वो क्या है ना कि आजकल इनके काम में थोड़ी टेंशन चल रही है। मैं जानती हूँ ये किसी से कुछ नहीं कहेंगे। एक तो ये अपने दोस्तों से भी उधार नहीं मांगते हैं, कितना चाहिए बोलना। जमाई जी, सुधा ने कुछ कहा क्या आपसे? सुधा क्या है ये सब? मम्मी जी ये मैं नहीं ले सकता। अरे जमाई जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे बेटे विपुल को जरूरत होती तो उसे नहीं देते हम? हमारी खातिर प्लीज रख लीजिए। लेकिन ठीक है आप कह रहे हैं तो, लेकिन उधार के तौर पर रखूंगा, और जैसे ही पैसे आएंगे ना सबसे पहले ये पैसे मैं आपको लौटाऊंगा, ठीक है? चलता हूं। तेरी पौना चल। थैंक यू मम्मी। पकड़ी चलती। राजेंद्र हर बार सुधा को आगे करके आप लोगों से पैसे ऐंठ के चला जाता है। विपुल, सुधा कोई गैर नहीं, तेरी अपनी बहन है। देखिए मम्मी, बहन के लिए जो करना है वो कीजिए, लेकिन राजेंद्र जैसे आदमी के हाथों बेवकूफ बनना भी तो ठीक नहीं है ना। पता नहीं कितनी बार ऐसे ही पैसे उधार के नाम पर आप लोगों से ले जा चुका है, आज तक एक भी पैसा वापस किया है। लेकिन बेटा, जवाई जी ने हमसे कभी पैसे नहीं मांगे, हमने खुद उन्हें पैसे दिए। यही बात तो आप लोगों के समझ में नहीं आ रही है ना। वो पैसे ले रहा है लेकिन उधार के नाम पे नहीं, दहेज के नाम पे।
बहुत ही बढ़िया तरीका निकाला है उसने आप लोगों से पैसे निकालने का। विपुल देख बेटा, अब पैसे गए तो गए, सुधा हमारी बच्ची है और तेरी बहन, वो वहाँ किसी कमी में रहेगी तो क्या हमें अच्छा लगेगा, तुझे अच्छा लगेगा? ठीक है, आप लोगों के पैसे है ना, जो मर्जी आए वो कीजिए, उधार के नाम पर दहेज से उसका मुंह भरते रहिए। जी सुधा, वो अपने चेकअप के लिए आई है। माँ जीते रहो बेटा, जीते रहो। क्या कहा डॉक्टर ने? पॉजिटिव है। हाय करो मेहर कर। सुना जी, आप नाना बनने वाले हैं। अच्छा आप लोग बातें कीजिए, मैं ऑटो लेकर आता हूँ। मैडम ये आपका बिल। अरे आप लीजिए ना। बेटी मैं देखता हूँ। सुन बेटा, अब तुझे अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, ऐसी हालत में ज्यादा भाग दौड़ करना ठीक नहीं, समझी ना? मम्मी जी आप ही इसे समझाइए, ठीक से कुछ खाती पीती ही नहीं है। ऐसे नहीं करते बेटा, तू अपना ख्याल नहीं रखेगी तो होने वाले बच्चे पर भी इसका असर पड़ेगा। आप लोग बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। भाई साहब मेरे ख्याल से आप गैस जल्दी ठीक करवा लीजिए और किचन को थोड़ा हवादार, थोड़ा बड़ा कर लीजिए। अरे हम भी यही सोच रहे थे पापा जी, कि अपने इस घर को मम्मी पापा के हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई करा देते हैं, और मैं और सुधा मेरे नए ऑफिस के पास एक नया घर ले लेते हैं। लेकिन जमाई जी इस उम्र में मम्मी पापा अकेले? अरे नहीं, हमने ही कहा है इससे, क्या है कि इसका नया ऑफिस घर से बहुत दूर पड़ता है, आने जाने में ही 4 घंटे लग जाते हैं। अब घर ऑफिस के पास रहेगा तो राजेंद्र और सुधा के लिए अच्छा ही रहेगा ना? हाँ अच्छा तो हो गई, लेकिन क्या जमाई जी ने कोई घर देखा है? जी एक घर देखा है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन। हाँ लेकिन जमाई जी, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का क्या भरोसा कब तक कंप्लीट हो? अब क्या कर सकते हैं, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। जो घर कंप्लीट है ना, वहाँ 15 लाख का भाव चल रहा है। 15 लाख? बेटा 15 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, 15 लाख इकट्ठे करने में तो बहुत समय लग जाएगा, और तुम्हारे पापा का जो पीएफ था वो तो तुम्हारी शादी में तुड़वा लिया। फिर भी तू चिंता मत कर बेटा, हम कोशिश करते हैं कहीं से इंतजाम हो सका तो। नया घर खरीदने के लिए रुपयों की मांग महज राजेंद्र की जरूरत थी या फिर दहेज मांगने का एक अनूठा तरीका? बिंदु और रामेश्वर को समझ नहीं आ रहा था कि राजेंद्र की यह बात किस ओर इशारा कर रही है, लेकिन विपुल को साफ लगता था कि राजेंद्र उनसे बस रुपए ऐंठने के नए नए हथकंडे अपना रहा है। जाहिर है शादी के बाद ससुराल से आर्थिक मदद लेना पहली नजर में दहेज की मांग ही लगता है, लेकिन राजेंद्र के बारे में विपुल की ये राय किस हद तक सही थी? क्योंकि राजेंद्र ने तो कभी भी रुपयों के लिए ससुराल वालों पर दबाव बनाया ही नहीं, उल्टा वो तो अपने आशियाने के लिए खुद रुपयों के इंतजाम में जुटा हुआ था। तो क्या बिंदु और रामेश्वर सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी मर्जी से राजेंद्र की मदद कर रहे थे? और अगर ऐसा था तो इस बार उनकी बेटी की खुशी की कीमत थी 15 लाख रुपए, और इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उनके लिए आसान नहीं था। पापा जी ये एक नई बिल्डिंग है, जल्द से जल्द शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन लगा। देखिए 3 बेडरूम है, ये हम दोनों के लिए, ये आने वाले बच्चे के लिए, और ये रहा गेस्ट रूम, कभी आप लोग आएंगे कभी मम्मी पापा आएंगे, है ना? ये इसकी कीमत कितनी होगी? 15 लाख। पहले तो सोचा था कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ही ले लूं, धीरे धीरे करके पैसे दे दूंगा, फिर लगा कि यहाँ वहां से इंतजाम करके एक ही बार में बनी बनाई बिल्डिंग देख लेता हूँ। दरअसल सुधा ने हमें बताया था इसके बारे में, 15 लाख का इंतजाम करने में मुझे कम से कम 7-8 महीने तो लग जाएंगे, है ना? ये सुधा भी ना आप लोगों को ऐसे ही परेशान कर दिए। अब पापा जी ये देखिए, मैंने कुछ बैंक में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ,
अगर लोन जल्द से जल्द पास हो गया तो पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। ये कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पैसों का इंतजाम करने की, कई लोगों से बात भी की है, पर मुझे नहीं लगता कि पैसों का इंतजाम हो पाएगा। वक्त बीतता जा रहा था, सुधा को एहसास हो गया था कि राजेंद्र से पैसों का इंतजाम नहीं हो पाएगा, लेकिन वो अपने माता पिता को भी तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मगर उसके माता पिता अपनी बेटी और दामाद की खुशी के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते थे। पापा ये सब क्या है, आप लोग कर क्या रहे हो? ये देखिए घर राजेंद्र को बनाना है और परेशान हो रहे हो आप लोग। बेटा तुम समझते क्यों नहीं, जवाई जी के साथ साथ ये घर तुम्हारी बहन का भी होगा। कभी कभी मेरी समझ में नहीं आता है कि सुधा को हो क्या गया है, क्या उसे ये पता नहीं है कि हमारे पास कितने पैसे हैं? बस पति ने बोला और उसकी डिमांड लेकर आ जाती है। विपुल तुझे पता भी है बिचारी सुधा पर क्या गुजरती होगी ये जानकर कि अब हमारी हालत भी वैसी नहीं है। तो नहीं कहना चाहिए ना। बेटा वो हमसे नहीं कहेगी तो और किससे कहेगी? जमाई जी भले इंसान है पर बेटा ससुराल वाले अपनी डिमांड्स पूरी करवाने के लिए लड़कियों की क्या दशा करते तुझे पता भी है? क्या हुआ बेटा, तू अकेली आई है? सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी सब ठीक है, आना तो वो भी चाहते थे लेकिन पैसों के इंतजाम में लगे हुए हैं। आपसे कुछ हो पाएगा बेटा? कोई बात नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। हेलो, क्या हुआ? मम्मी 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 क्या हुआ? सुधा, गैस का बर्नर खराब था, बीच में मम्मा का भी हाथ चल गया था, लेकिन इस बार सुधा किचन में थी और पता नहीं एक्सीडेंट कैसे हो गया। इंस्पेक्टर जी क्या हुआ? क्या इंस्पेक्टर साहब, बोलो मेरे बच्चे की अंतिम क्रिया के लिए उसे ले जा रहे हुआ क्या है मैडम जी? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बच्चे की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं हुई थी, वो लोगों ने उसे मार दिया, वो लोग उसकी मौत के जिम्मेदार हैं इंस्पेक्टर साहब। सॉरी इंस्पेक्टर, इन्हें अपनी बेटी की मौत का सदमा है इसलिए। हुआ क्या है आपकी बेटी के साथ? रुक जाओ, इस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार आप अभी नहीं कर सकते। पोस्टमार्टम के बाद ही इसका अंतिम संस्कार हो सकता है। लेकिन इन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट की है, क्या आपने इनकी बेटी को जलाकर मार दिया दहेज के चक्कर में? देखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से हमें यह पता चला है कि मौत जलने से हुई है, लेकिन वो एक्सीडेंट था या मर्डर
ये पता नहीं चला है, क्योंकि बॉडी पर मिट्टी का तेल या पेट्रोल नहीं डाला गया। आपका कहने का मतलब कि शायद ये एक्सीडेंट ही हो? नहीं, एक्सीडेंट नहीं था वो, पैसों की लालच में उसने मार दिया हमारे बच्चे को। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अब तक हम उसकी सारी डिमांड पूरी करते रहे, बस घर के लिए 15 लाख रुपए नहीं दे पाए तो उसने मार दिया हमारे बच्चे को, और उसकी कोख में पल रहे बच्चे को भी। देखिए मैडम जी, ये सिर्फ आपका शक है, कोई सबूत नहीं है हमारे पास, और सिर्फ शक की बिना पर कोई केस नहीं बनाया जा सकता। तुम बेकार में ये सब क्यों सोच रही हो? देखो पुलिस अपनी छानबीन कर चुकी है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये साबित हो चुका है कि सुधा की मौत एक एक्सीडेंट से हुई थी। अब तुम उसे मर्डर साबित करने पर क्यों तुली हुई हो? जब तक हम उन लोगों की डिमांड्स पूरी करते रहे तब तक तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था ना सुधा का। अरे तुमने तो उस दिन देखा था ना कि जमाई जी की माँ का हाथ उसी बर्नर से जला था, वो बर्नर ही खराब था। हाँ, राजेंद्र की माँ का सिर्फ हाथ जला था, हमारे बच्चे तो उसमें झुलस कर मर गए। हमारी बेटी की किस्मत खराब थी। आपको जो कहना है कह लीजिए, मगर मेरा मन जानता हमारी बच्ची को उन्होंने दहेज के लिए मार दिया। मेरे बच्चे, तुझे तेरे ससुराल में सिर्फ खुश देखना चाहती थी, इसलिए उनकी हर छोटी बड़ी मांग पूरी करती रही। मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरी गलती के कारण बेटा तुझे अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अब तेरी माँ तुझे जलाने वालों को नहीं बख्शेगी। जितना दर्द तुझे जलते समय हुआ होगा ना, उतना ही दर्द तेरे ससुराल वालों को भी सहना होगा। अरे भाई उठाओ ये टीवी, म्यूजिक सिस्टम और वो फ्रिज, सारा सामान उठाओ यहाँ से। मम्मी जी आप ये क्या कर रही हैं? अपनी बेटी के लिए जो कुछ भी दिया था मैंने तुझे, एक एक पैसा, एक एक सामान वापस चाहिए मुझे। मम्मी जी ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं ना, अभी मेहमान आया तो थोड़ा सा। ओ, रिश्ता लेकर आए हैं तेरा, तो आप लोग भी जान लीजिए असलियत इनकी। शादी से पहले मुंह पर तो दहेज कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे मजबूरी जताकर खूब दहेज ऐंठना शुरू कर देंगे, और जब किसी मजबूरी के कारण हम दे नहीं पाएंगे तो बेटी को ही जला देंगे। बस कीजिए मम्मी जी, आप इस तरह मेरे ही घर पर आकर मेरी इज्जत नहीं उतार सकती, चलिए निकल यहाँ से। अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है तो जैसे आदमी के घर पे खड़े होने का। अरे मक्कार इंसान, मेरी बेटी तुम लोगों के लिए सिर्फ पैसा ऐंठने का एक जरिया थी, वो नहीं रही तो तुमने दूसरा जरिया ढूंढना शुरू कर दिया। जा रही हूं और ये पकड़ो लिस्ट, 1 महीने का समय दे रही हूं, इसमें एक एक पैसे का, एक एक सामान का हिसाब किताब लिखा है, पाई पाई चुकानी होगी तुझे। एक महीने बाद आऊंगी और खाली हाथ नहीं जाऊंगी, समझा? चलो बेटा। भाई साहब,
बहन जी अरे अब कहां जा रही हो तुम उस दहेज के लालची और अपनी बेटी के हत्यारे को याद दिलाने कि एक महीना खत्म होने जा रहा है तुम्हें क्या हो गया क्या कर रही हो तुम अरे हमारी बेटी नहीं रही अब पैसे सामान ये सब लेकर क्या करेंगे हम लोग क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब क्या बात है राजेंद्र जी ने आपके पति के खिलाफ कंप्लेंट की है कि इन्होंने इनके घर पे जाकर उन्हें धमकी दी इनके कुछ पैसे मांगने के लिए तो क्या गलत किया मैंने इस आदमी ने दहेज की लालच में मेरी बच्ची को मार डाला देखिए मैडम जी मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि वो एक एक्सीडेंटल केस ही था लेकिन अब आप इस तरह से इनसे पैसे मांगकर इन्हें परेशान क्यों कर रही है इंस्पेक्टर साहब ये देखिए ये सारे सबूत हैं जो पैसे हमने इसे दिए उसके हमारी बच्ची को मारने का तो कोई सबूत नहीं है ना आपके पास पर दहेज लेने के इल्जाम में इसे गिरफ्तार कीजिए दहेज नहीं आपने उधार दिया था अच्छा तो उधार वापस लेने गई थी तो पुलिस के पास क्यों चले गए देखिए अगर वे आपका उधार नहीं चुका रहे हैं तो आप कोर्ट में केस कीजिए इस तरह से आप उन्हें परेशान करेंगी तो आप पे हैरेसमेंट का केस बनेगा तो ठीक है बनाइए केस जो भी केस आपको बनाना है बनाइए इस आदमी को फांसी पे चढ़ाने के लिए अगर मुझे खुद को फांसी पर चढ़ाना पड़े तो मंजूर है Your Honor, बिंदु शर्मा ने मेरे क्लाइंट मिस्टर राजेंद्र शर्मा का जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने जो पैसे मेरे क्लाइंट को उधार दिए थे उसे वापस लेने के लिए कभी भी किसी भी वक्त इनके घर चली जाती हैं और इन्हें धमकाती भी हैं। Your Honor, ये तो सरासर गुंडागर्दी है दहेज की लालच में इस आदमी ने हमारी बच्ची को जलाकर मार डाला आप लोगों के लिए वो कुछ नहीं है और मैं इसके घर इसे इसकी औकात दिखाने चली गई तो आप लोगों ने मुझे दोषी बना दिया Your Honor, पुलिस की जांच के मुताबिक सुधा की डेथ एक एक्सीडेंटल केस है और मेरे क्लाइंट ने शादी के वक्त कोई भी दहेज नहीं लिया ये बात इनके पति खुद बता चुके हाँ शादी के समय कोई दहेज नहीं लिया था लेकिन शादी के बाद 2 साल के अंदर हर महीने कभी 10,000 कभी 20,000 की मांग करते रहे यही नहीं कई बार मैंने खुद इसके अकाउंट में 1,00,000-2,00,000 पैसे ट्रांसफर किए उसका रिकॉर्ड है मेरे पास मिलोर्ड जब हम 15,00,000 रुपए की डिमांड पूरी नहीं कर सके तो इस आदमी ने मार दिया हमारी बच्ची को योर ऑनर अगर राजेंद्र ने शादी के बाद भी मेरे क्लाइंट से पैसों की डिमांड की है तो ये एंटी डॉरी लॉ के अंडर आता है मिलोर्ड इसलिए राजेंद्र पर दहेज लेने का केस बनाया जाना चाहिए तो फिर बिंदु शर्मा के खिलाफ भी केस बनना चाहिए क्योंकि कानून के मुताबिक दहेज देना भी एक क्राइम है हाँ, तो बनाइए केस मुझ पर बनाइए इस आदमी को जेल भिजवाने के लिए अगर मुझे जेल जाना पड़े तो मैं तैयार हूँ बनाइए मुझ पर केस एंटी डाउरी एक्ट में 1983 के संशोधन के बाद शादी के बाद भी किसी तरह की मांग फिर वो चाहे सामान की हो या पैसे की दहेज की मांग ही मानी जाती है लिहाजा राजेंद्र पर एंटी डाउरी एक्ट का चार्ज लगाया गया जिसमें दोषी पाए जाने पर उसे 5 साल तक की सजा हो सकती थी लेकिन इस केस में अहम सवाल ये था कि राजेंद्र ने कभी भी सीधे तौर पर दहेज की मांग की ही नहीं थी बिंदु शर्मा और उनके पति ने अपनी खुशी से बेटी और दामाद की मदद की थी तो फिर आज बिंदु शर्मा ये आरोप क्यों लगा रही थी किस बिना पर वो राजेंद्र को अपनी बेटी का कातिल ठहरा रही थी क्या उन्हें अपनी बेटी की मौत पर गुस्सा था या फिर बात कुछ और थी
और एक सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ था कि आखिर सुधा की मौत का राज क्या था? क्या वाकई उसका कत्ल किया गया था या फिर वो महज एक हादसे की शिकार हुई थी? मिलॉर्ड, मैंने पैसे जरूर लिए थे लेकिन उधार लिए थे। अरे वाह, ये कैसा उधार लिया कि जो आज तक कभी वापस ही नहीं किया गया? मिलॉर्ड, सच तो ये है कि ये उधार था ही नहीं, ये दहेज था। मिलॉर्ड, खराब बर्नर के कारण मेरे हाथ पर अभी तक जले हुए का निशान है। अरे वाह, बर्नर खराब होने पर इनका थोड़ा सा ही हाथ जल गया, लेकिन उस खराब बर्नर से मेरी बच्ची तो जलकर मर गई ना। अगर खराब बर्नर से मेरी बच्ची मर गई तो उससे पहले इस औरत को मरना था, इस औरत को। मिलॉर्ड, हमने अच्छी तरह से इस केस की जांच की है। हमारी जांच में यह पता चला है कि सुधा की मौत एक एक्सीडेंट थी। तमाम गवाहों की गवाही और सबूतों को देखते हुए इस केस में यह तो साबित हो गया है कि इस केस में दहेज लिया गया है, लिहाजा यह अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि सुधा की मौत की फिर से जांच पड़ताल हो। अदालत में यह तो साबित हो गया कि राजेंद्र ने दहेज लिया था, लेकिन सुधा की मौत पर अब भी रहस्य का पर्दा पड़ा हुआ था, लिहाजा अदालत ने पुलिस को सुधा की मौत की जांच फिर से करने का आदेश दिया। जाहिर है अब राजेंद्र और उसका परिवार शक के घेरे में थे। सवाल वही था, क्या 15 लाख रुपयों के लिए सुधा की हत्या की गई थी? पुलिस इसी सवाल का जवाब सरगर्मी से तलाशने लगी और पूछताछ के लिए राजेंद्र के पड़ोसियों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। सर, मेरा घर राजेंद्र के घर के पास ही है। श्यामलाल जी बहुत अच्छे आदमी है, वो अपनी बहू को अपनी बेटी के जैसे मानते थे। सुधा तो अक्सर हमारे घर आया जाया करती थी, हमेशा अपने पति और ससुराल की बड़ी ही तारीफें किया करती थी। उसने तो कभी अपने ससुराल की कोई बुराई कभी की नहीं। आपको कभी सुधा की बातों से ऐसा लगा कि वो अपने ससुराल में बहुत दुखी है या परेशान है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। देखिए, हमने सुधा के सारे पड़ोसियों और उसकी सभी दोस्तों से बात की, सबका यही कहना है कि सुधा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। इंस्पेक्टर साहब, यही गलती तो की हमारी बच्ची ने, अपने ससुराल और पति की इज्जत बचाने के लिए सारे दुख खुद ही झेलती रही, उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन इंसान अपना दुख किसी न किसी के साथ तो बांटता ही है। इंस्पेक्टर साहब, एक बार, सिर्फ एक बार आप उसके दोस्तों से फिर से पूछ के देखिए, शायद उसने किसी से कुछ कहा हो कभी। ठीक है। कभी कभी उसकी बातों से जरूर लगता था कि वो हमसे बहुत कुछ छुपा रही है। आप तो उसकी सबसे खास दोस्त हैं, स्कूल टाइम से। आपको भी कभी उससे कुछ नहीं पता है? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान अपने दिल की बात किसी न किसी से तो करता ही है। इस मामले में सुधा कॉलेज टाइम से ही थोड़ी अलग थी, वो रियल फ्रेंड्स से ज्यादा वर्चुअल फ्रेंड्स में ज्यादा बिलीव करती थी। वर्चुअल फ्रेंडशिप यानी एक ऐसी दोस्ती जो दो लोग कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए स्थापित करते हैं। ऐसी दोस्ती में दो लोगों की कभी व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात नहीं होती, वो सिर्फ इंटरनेट की मदद से एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं। वर्चुअल फ्रेंडशिप नाम के शब्द ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया। अब पुलिस को यह जानकारी इकट्ठा करनी थी कि क्या सुधा का भी कोई वर्चुअल फ्रेंड था जिससे वो अपने दिल की सारी बातें करती थी, और आखिर वो बातें क्या थी? मिस्टर राजेंद्र, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? ये कंप्यूटर सुधा भी इस्तेमाल करती थी? जी हाँ, करती थी। हमें इसका सीपीयू ले जाना होगा जांच के लिए। हवालदार, सीपीयू कस्टडी में लो। सर, सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर, क्या कुछ पता चला राजेंद्र के कंप्यूटर की जांच में? जी सर, उसके हार्ड डिस्क में जो डेटा था उसे चेक करने पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात हाथ लगी है। ये देखिए सर, वेब हिस्ट्री को चेक करने पर पता चला है कि सुधा एक खास आईडी पर लगभग रोज मेल भेजा करती थी, और जो मेल वो लिखती थी उसे चेक करने पर आपको पता चल जाएगा कि सच क्या है। सुधा
सुधा की ईमेल के बैकअप से पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लग गया था, और जो सुराग हाथ लगा था वो कुछ और ही कहानी बयान कर रहा था। यह ईमेल है 15 नवंबर 2010 का। सुधा लिखती है, मैं इस शादी को लेकर बहुत खुश थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन ससुराल में आते ही मेरा भ्रम टूट गया। अरे वाह महारानी जी, तुम्हारे माँ बाप तो बड़े ही चलाक निकले। हमने दहेज में कुछ नहीं मांगा तो उन्होंने भी दहेज में कुछ नहीं दिया। अरे कम से कम अपनी बेटी को तो कुछ देना चाहिए था ना। लेकिन मम्मी जी, उन्होंने सामान कैश कैश कहाँ दिया। और तुम ना ये महारानी की तरह मत बैठी रहो, ये दुल्हन का चोला उतार फेंको और काम पर लग जाओ। मैंने बर्तन वाली हटा दी है, अब झाड़ू पोछा बर्तन और खाना सब तुम्हें करना पड़ेगा, समझी। अरे भाई एक आदमी का खर्चा बढ़ गया है तो एक आदमी का खर्चा कम भी तो करना पड़ेगा। ये दूसरा ईमेल है 25 दिसंबर 2010 का। सुनिए जी, आज मुझे ज्योति के घर जाना है। हर साल की तरह उसके घर पर क्रिसमस पार्टी है, सारे दोस्त आ रहे हैं। तो जाओ ना, मना किया है क्या किसी ने? नहीं, अब शादी के बाद पहली बार जा रही हूँ, सारे दोस्त मिलेंगे, खाली हाथ नहीं जा सकती ना। पैसे चाहिए? इतना ही है मेरे पास। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे अकाउंट में भी तो कुछ पैसा डाला होगा ना, जिमे से निकाल लो। और हाँ, कुछ पैसे मुझे भी दे देना, मेरी भी कड़की दूर हो जाएगी। क्या करती मैं, मैंने ज्योति को मना कर दिया, तबीयत का बहाना बना दिया, लेकिन बहुत बुरा लगा आज। ऐसा लग रहा है जैसे बात बात पर मुझे इस बात का एहसास कराया जा रहा है कि मैं अपने घर से दहेज में कैश लेकर नहीं आई, इसलिए मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है। क्या पति की इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने पत्नी की जरूरतों का ख्याल रखे? ये अगला ईमेल लिखा है सुधा ने 5 फरवरी 2011 को। आप कहीं जा रहे हो क्या? तुम भी अपना सारा सामान पैक कर लो, पूरे घर की पैकिंग में ना 2 दिन तो चले ही जाएंगे, और वैसे भी धीरे धीरे करेंगे ना, तभी कुछ हो पाएगा। हम कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं क्या? अरे मकान मालिक ने 2 दिन में घर खाली करने को कहा है। पर क्यों? अरे क्यों क्या, 2 महीने से उसको किराया नहीं दिया, कब तक रुकेगा वो? लेकिन हम घर का सारा सामान लेकर जाएंगे कहाँ जी? ये तो मैं भी नहीं जानता। मम्मी पापा को गांव भेज दूंगा, तुम भी अपने मायके चली जाना, और मैं अपना देख लूंगा यहाँ वहाँ कहीं, किसी लॉज या धर्मशाला में रुक जाऊंगा जब तक पैसे का बंदोबस्त हो जाता। ऐसे कैसे भटकते रहेंगे आप? तो और कोई रास्ता भी तो नहीं है, अगर मकान मालिक को पैसे नहीं दिए तो वो रहने नहीं देगा घर में। मैं अपने जेवर बेच देती हूँ। नहीं नहीं, जेवर मत बेचो, वो तुम्हारे मम्मी पापा ने दिए हैं ना, उन्हें पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। उससे अच्छा तुम उनसे बात करके क्यों नहीं देखती, शायद उनसे कुछ इंतजाम हो पाए, और देखना कि 2 दिन में ही कर पाए। दस दिसंबर 2011 का, जिसमें सुधा लिखती है कि मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती, मम्मी पापा को यह सच्चाई पता चली तो इन्हें बहुत तकलीफ होगी, और बार बार इस तरह अपने मम्मी पापा को पैसों के लिए परेशान करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही बच्चे। अगले मेल में सुधा ने लिखा है कि राजेंद्र और उसके घर वाले मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं कैसे भी करके अपने घर वालों से 15 लाख रुपए लेके आऊं। और ये मेल है 2 फरवरी 2012 का। मेरे मम्मी पापा ने हर बार इन लोगों की सारी डिमांड्स पूरी की, 15 लाख जैसा बड़ा अमाउंट इंतजाम करने में उन्हें वक्त लग रहा है, तो पिछले 2 दिन से इन लोगों का रवैया मेरे प्रति बहुत बदल गया है। मम्मी जी सिर्फ अपने अपने बेटे के लिए और अपने पति के लिए खाना बनाती है, मुझे तो कोई पूछने भी नहीं आता। इस हालत में पता नहीं क्या होगा मेरा,
और मेरे बच्चे का। इस हालत में तुम जीना भी एक सजा लग रही है मुझे। और ये आखिरी मेल है ठीक उसी रात का जिस रात सुधा की जल के मौत हुई, यानी 28 मार्च 2012 का। सुधा लिखती है, आज जो कुछ सुना मैंने उसके बाद लगता है कि अब और नहीं जी पाऊंगी मैं। मम्मी मैं तो कल ही सुधा को उसके घर पे लेके जाऊंगा। उसकी ऐसी हालत देख कर ना उसके घर वाले हाथ में पैसे थमा देंगे। हाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस बार इतनी आसानी से टूटेंगे वो लोग। अरे 15 लाख देने के नाम पर बड़ी चालाकी से चाल खेल रहे हैं इसके घर वाले। सबसे ज्यादा खर्चा तो अब है। कैसे भी करके ना तू 1 महीने के अंदर अंदर 15 लाख निकलवा ले इसके घर वालों से। इन लोगों को 15 लाख नहीं मिलेंगे तो ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। और मेरे मम्मी पापा 15 लाख का इंतजाम करने में अपना सब कुछ बेचकर कैसे जी पाएंगे। इन सब से मुक्ति का मुझे एक ही तरीका दिख रहा है। मेरे मम्मी पापा मुझे माफ कर देना। इस हालत में और जी पाना मेरे लिए संभव नहीं है। माफ कर देना मुझे। इस पूरे केस में सुधा की ईमेल को विक्टिम का बयान मानते हुए ये अदालत राजेंद्र शर्मा, श्यामलाल शर्मा और विभा शर्मा को दोषी करार देती है। इन तीनों ने मिलकर सुधा शर्मा को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। लिहाजा ये अदालत इन तीनों अभियुक्तों को 7 साल की कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाती है। '61 में बनाए गए डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में 1986 में एक संशोधन किया गया जिसके अनुसार अगर शादी के 7 सालों के भीतर कोई महिला ससुराल वालों से तंग आकर आत्महत्या भी कर लेती है तो उसे हत्या ही माना जाएगा। लिहाजा राजेंद्र और उसके माता पिता को अदालत ने हत्या के आरोप में सजा सुनाई। बिंदु शर्मा तब तक लड़ती रही जब तक उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल गया। ऐसे कई मामले हैं जहां सुधा जैसी लड़कियां शादी के बाद ससुराल में नरक से बदतर जिंदगी गुजारती हैं लेकिन अपने मायके वालों से कभी अपनी तकलीफों का जिक्र नहीं करती। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ऐसी लड़कियां अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती। उन्हें लगता है उनकी तकलीफ सुनकर माता पिता को दुख होगा लेकिन यह सोच गलत है, इसे बदलना होगा। इसी सोच की वजह से राजेंद्र जैसे दहेज के दानवों को बढ़ावा मिलता है और वो हैवानियत की सारी हदें पार कर जाते हैं। नतीजा ये होता है कि या तो ऐसी लड़कियों की हत्या कर दी जाती है या फिर वो तंग आकर आत्महत्या कर लेती है। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार के आंकड़ों के अनुसार सन 2010 में हमारे देश में हर 1.5 घंटों में दहेज के कारण एक महिला की मौत हुई। सुधा जैसी लड़कियों की मृत्यु के बाद अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर ये कब तक चलेगा।
लेकिन इसका मुकम्मल जवाब कभी नहीं मिलता। दहेज के दानवों का तांडव जारी, कानून सख्त है पर नतीजा सिफर। क्यों? जाहिर है सरकार सिर्फ नीति बदल सकती है, नियत और नियति नहीं। जब तक दहेज लेने और देने वालों की नियत नहीं बदलेगी, हमारी बेटियों की नियति कैसे बदल सकती है? इसीलिए आज और अभी से ये प्रण ले कि ना तो किसी से दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे। और अगर राजेंद्र जैसा कोई लालची परिवार झांसा देकर दहेज उगाने की चाल चलता है तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। जख्म दबाने से वो मिटता नहीं है, नासूर बन जाता है। इसीलिए चुपचाप कुछ मत सही है। बेटियां पराए घर जरूर जाती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता और बेटी आपस में पराए हो गए। संवाद निरंतर बने रहना चाहिए, बातचीत करते रहे। अगर सुधा ने अपने घर वालों को अपनी तकलीफ के बारे में इशारा भर भी किया होता तो यूं जान देने की नौबत ना आती। उम्मीद है आप अपने आसपास ऐसी कोई दुर्घटना नहीं होने देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही बेमिसाल सच्ची कहानी के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, सौ फाइट बैक्स। तो सावधान।